हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने चैनल में कोई खास हाउस डेकोरेशन की चीज़ नहीं बनाना सिखा रही हूँ। एक्चुअली आज गर्मी का सीज़न है और मैं गर्मी के सीज़न में सभी पापड़ बनाते हैं, तो मैं अपने घर के लिए साबूदाना का पापड़ बना रही थी, तो सोचा क्यों ना ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर आपको मैं रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे चैनल का नाम है प्रीति क्रिएशन, जिसका मतलब हुआ कि मेरे द्वारा बनाया गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ साबूदाने के पापड़ की रेसिपी भी शेयर की जाए। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये मैंने एक भगोना लिया है, इस भगोने में मैंने एक गिलास साबूदाने लिए हैं। एक गिलास साबूदानों को मैंने इस भगोने में डाल दिया है। अब मैं इन साबूदानों को अच्छे से वॉश कर लूँगी, दो बार पानी से वॉश कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन साबूदानों को वॉश कर लिया है। अब मैंने एक गिलास साबूदाने लिए थे, तो फ्रेंड्स मैं अब इसमें तीन गिलास पानी डालूँगी। फ्रेंड्स, अब मैं इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए ढककर रख दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, 5 घंटे हो चुके हैं, साबूदाने बहुत अच्छी तरह फूल गए हैं। हमने 5 घंटे इन्हें पानी में रखा था। अब हम इसे मिक्सर में अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सर में ग्राइंड करने से एक ये बेनिफिट रहता है कि हमें ज़्यादा देर तक साबूदानों को गैस पर नहीं पकाना होता है, बहुत ही जल्दी साबूदाने कम समय में बन जाते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने साबूदाना पूरी तरह मिक्सी में पीस लिया है। इसमें अभी भी दरदरापन है और साबूदाने के पापड़ हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसे पूरी तरह गैस पर पकाएंगे फिर बनाएंगे। अब हम इसको गैस पर पकाने के लिए रख रहे हैं और साथ ही इसमें पानी और बढ़ाएंगे। इस तरह गैस पर हम इसे चलाते रहेंगे। इसमें और पानी हमें ऐड करने की ज़रूरत है। हम इसमें 3 गिलास पानी और ऐड करेंगे क्योंकि ये पकने के बाद और गाढ़ा होगा। मैंने 1 गिलास साबूदाना लिया था जिसमें 3 गिलास पानी मिलाकर हमने उसे भिगोकर रख दिया था और उसके बाद हमने 3 गिलास पानी और उसमें ऐड किया है। इसे मिक्सर में ग्राइंड करने से फ़ायदा हमें यह हुआ है कि अब ये बहुत जल्दी पक जाएंगे, हमें साबूदाने घुलने का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, 5 मिनट में, मात्र 5 से 7 मिनट में साबूदाने पकने आ गए क्योंकि हमने इसे मिक्सर में पीस लिया था। अगर हम इसे मिक्सर में नहीं पीसते तो हमें इसे काफ़ी देर तक पकाना पड़ता। ये मैंने लिया है 3 चम्मच जीरा, आप भी अपने स्वाद अनुसार जीरा डाल सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़े पापड़ ज़्यादा बना रही हूँ तो मैंने 3 चम्मच जीरा डाला है इसमें।
साथ ही मैं नमक डाल रही हूँ। अगर आप उपवास के लिए बना रहे हैं तो आप नमक ना डालना चाहें तो ना डालें। मैं 3 चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें, ज़्यादा नमक भी ना डालें क्योंकि ज़्यादा फिर खारे लगते हैं और स्वाद बिगड़ जाता है, स्वाद कड़वा लगने लग जाता है। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, लाल मिर्च डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। अगर आप चरका बनाना चाहे, काली मिर्च डालने से साबुदाने के पापड़ ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। अभी मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसमें सिर्फ जीरा और नमक डाला है। और साथ ही मैंने इसमें 2 चिमटी सोडा डाला है। अगर आप सोडा ना भी डालो तो साबुदाने के पापड़ तो ऐसे भी बहुत ही अच्छे फूलते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है जीरा डालने से, ये येलो कलर पे आ गया है। देखिए कितनी जल्दी हमारे साबुदाने का घोल बनकर तैयार है। इसमें अभी भी साबुदाने के कुछ दाने दिख रहे हैं जो मैं थोड़ी सी देर पकाऊंगी तो पूरी तरह से मिट जाएंगे, पिघल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये पूरी तरह पककर रेडी है। ये पूरा इसका कलर जो चेंज हो गया है, येलो कलर हो गया है। मैं इसे थोड़ा पतला ही रखती हूँ क्योंकि मुझे इसके पतले पापड़ बनाना बहुत अच्छे लगते हैं और जितना पतला घोल रहता है उतने पतले पापड़ बनते हैं। चलिए अब हम इसे डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड मैं अब आ गई हूँ अपनी छत पर। मैंने ये पॉलीथीन बिछा ली है, एक्चुअली ये टेबल कवर था, इसे मैंने उल्टा कर कर इसके ऊपर 2 ड्रॉप ऑयल ग्रीस कर दिया है। ये देखिए ये मैं इतने पापड़ डाल चुकी हूँ। गाइस ऐसे पापड़ बनाने का एक ही फायदा भी है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती और इस तरह गीले घोल के बनाए गए पापड़ स्वाद में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, फूलते बहुत अच्छे हैं और अगर पतले बनते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अगर आपको साबुदाने के पापड़ पूरी तरह सफ़ेद चाहिए तो आप इसमें जीरा मत डालिए। ये इसका पीला कलर जीरा डालने से हुआ है, लेकिन जीरा डालने से स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स हमारे साबुदाने के पापड़ सूख कर बिल्कुल अच्छी तरह रेडी है। देखिए हमने बिल्कुल पतले पापड़ बनाए थे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पापड़ दिख रहे हैं। और ये देखिए ये अच्छी तरह सूख चुके हैं। मैंने तेल अच्छे से गरम कर लिया है, गरम तेल में ही पापड़ तलने के लिए डाले। देखिए फ्रेंड्स हमारा पापड़ बनकर बिल्कुल रेडी है।
देखिए कितना फूले हैं पापड़। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।